ये टाटा नेक्सन का न्यू कार है, जो आप कैसे कार को चलाएंगे, हर कार में एक ही तरह के होते हैं। और ये जो आप तीन पेडल देख रहे हैं, ये तीन वाला पेडल, ये जो पेडल आप देख रहे हैं ठीक लेफ्ट में, ये है क्लोज, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ब्रेक, ये ब्रेक है, और ये है एक्सीलेटर। और आप जब भी कार को स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये क्लोज को फुल क्लोज कर लेंगे। फुल क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए ये गियर है, आपको एक नंबर यहाँ पर लिखा है, देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर या छः नंबर, ये छः स्पीड का गियर है। और ये गियर को फुल क्लोज करके आपको एक नंबर पे गियर पे दे देना है। फिर आपको कार चलाने के ये जो हैंड ब्रेक है आपको नीचे दे देना है। नीचे देने के बाद आपको देखिए ये जो क्लोज आपको आपने दबा के रखे थे, ये क्लोज को छोड़ना नहीं है। क्लोज को दबा के रखते हुए धीरे धीरे ये वाला क्लोज, ये जो लेफ्ट साइड वाला क्लोज है, इसको आपको धीरे धीरे छोड़ना है। और ये जो एक्सीलेटर है आपको धीरे 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 दबाना है, इसको छोड़ना है और इसको दबाना है। ये क्लोज को छोड़ना है और एक्सीलेटर को दबाना है। ये आपको बहुत ही स्लो तरीके से करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं क्लोज से उठा लिया हूँ, देखिए क्लोज दबा के रखा हूँ। और ये एक्सीलेटर, ये है एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर में थोड़ा सा दबाऊंगा, धीरे धीरे क्लोज छोड़ूंगा। देखिए अब गाड़ी स्पीड में है और मैं क्लोज छोड़ दिया, एक्सीलेटर पर गाड़ी चल रहा है। फिर आपको जब भी गियर को चेंज करना है, फिर से ये एक क्लोज को पहले दबाना है, एक्सीलेटर को छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको फिर से जो गियर चेंज करना है, सेकंड या थर्ड कोई भी गियर को आप लगा रहे हैं, फिर आपको ये जो क्लोज है, फिर उसी तरीके से आपको धीरे धीरे छोड़ना है। आपको क्लोज एक्सीलेटर को फिर से दबाना है, फिर से आपको जब भी गियर चेंज करना है, फिर से क्लोज को दबाना है और एक्सीलेटर को छोड़ देना है। फिर आपको गियर चेंज करना है थर्ड या फोर चेंज करके, फिर आपको ये क्लोज को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सीलेटर को दबाना है। देखिए आप गाड़ी आराम से चल रहा है, इस तरह से गाड़ी को चलाते हैं एक्सीलेटर दबा के। और जब भी आपको ब्रेक लगाना है, पहले आप ये ब्रेक दबाना है, फिर क्लोज दबाना है, गाड़ी स्लो हो जाएगा। और गाड़ी ब्रेक के साथ साथ जो गियर होता है, आप उसी तरीके से ब्रेक दबाते हुए क्लोज दबा के आपको गाड़ी न्यूट्रल या सेकंड पे कर देना है। होम्स वगैरह जब आते हैं सेकंड करना है या गाड़ी को खड़ा करना है, पहले 5 नंबर गियर से आपको न्यूट्रल पहले गियर चेंज करना है, फिर उसी तरीके से आपको क्लोज को दबा के रखना है और ब्रेक दे देना है। फिर आपका जब भी गाड़ी खड़ा हो जाएगा, तब आपको ये जो हैंड ब्रेक है उसको आपको बिल्कुल उठा लेना है, तभी अभी आपका गाड़ी पार्किंग मोड पे हो जाएगा। और आप कहीं भी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ से गियर भी लगा के जा सकते हैं, हैंड ब्रेक भी लगा के जा सकते हैं, तो गाड़ी आपका सेफ खड़ी रहेगा, आपका कोई टेंशन नहीं होगा। और ये था क्लोज बेयर और गाड़ी को चलाने का तरीका। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।